पबाई में स्ट्री शीटर द्वारा फायरिंग करने का मामला, पुलिस ने स्ट्री शीटर भैरू गुर्जर विजेश को किया गिरफ्तार। शराब ठेके और किराने की दुकान पर की थी फायरिंग। पुलिस ने चुंदाड़ा गांव की पहाड़ी से दोनों को किया गिरफ्तार। भागते समय पहाड़ी में चोटिल हुए दोनों बदमाश। बबाई पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने बबाई गांव में शराब ठेके और किराने की दुकान पर फायरिंग करने के मामले में हिस्ट्री शीटर भैरू गुर्जर और उसके साथी विजेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी शराब के रुपए मांगने पर ठेके पर फायरिंग कर फरार हो गए। खेतड़ी DSP जुल्फिकार अली ने बताया कि हिस्ट्री शीटर भैरू गुर्जर उर्फ भैरिया अपने साथी विजेश के साथ बाइक पर सवार होकर बबाई बाईपास पर बने शराब ठेके पर पहुंचा। इस दौरान उन्होंने ठेके के सेल्समैन से शराब मांगी। रुपए मांगने पर देसी कट्टा निकाल कर फायर कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने पास ही किराने की दुकान पर भी सामान लेकर पैसे मांगने पर फायर कर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इस संबंध में किराना व्यापारी हवा सिंह की ओर से थाने में फायर कर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया। घटना को गंभीरता से लेते हुए नीम का थाना SP प्रवीण कुमार नायक ने विशेष टीमों का गठन कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस की टीमें द्वारा बबाई, हड़रिया, दलेलपुरा, पदेवा, माधोगढ़, गुड़ा, पोंख, मनकसास, कांकरिया, नौरंगपुरा, चमरा, रसूलपुर, कालोटा क्षेत्र की तलाश की गई तो पुलिस को सूचना मिली कि फायरिंग करने के आरोपी चुंदाड़ा गांव की पहाड़ी में छिपे हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस की टीमों ने चुंदाड़ा की पहाड़ी में दबिश दी तो वहां मौजूद हिस्ट्री शीटर भैरू गुर्जर उर्फ भैरिया व उसका साथी विजेश पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर हिस्ट्री शीटर भैरू गुर्जर उर्फ भैरिया और उसके साथी विजेश उर्फ विज्जू को हिरासत में ले लिया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए भागते समय पहाड़ी पर गिरने से घायल हो गए, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। उपचार के बाद दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। बबाई में बबाई थाने का हिस्ट्री शीटर भैरू और भैरिया और उसका दोस्त विजेश शराब के ठेके पे गए, उससे फ्री में शराब और बियर की मांग की मना करने पे, तो वहाँ पे उस पर शराब ठेके पे और एक किराना स्टोर उसमें फायरिंग करके भाग गए। जिला पुलिस अधीक्षक नीम का थाना ने इस घटना को सीरियसली लिया। मैं मौके पे पहुँचा, पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार टीमों का गठन किया गया। क्षेत्रीय SHO, बबाई SHO और जिला विशेष टीम तीनों को मुलजिमों की तलाश में लगाया, जिन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मुलजिमों का पीछा किया। अल सुबह दस्तयाब कर लिया। दस्तयाब करने के दौरान वो पहाड़ी क्षेत्र पे भाग रहे थे, इससे गिरने पड़ने से उनके कुछ चोटें भी आई, जिनका नीमका थाना और बबाई अस्पताल में इलाज करवाया। बाद इलाज अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया।